поколений мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем? तो हेलो 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 एडिटर्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में हो गए आप लोग। मैं आ गया हूँ एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ वापस। और गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ 4K HDRCC के बारे में, जो कि ना मैं कैपकट में एडिट करूँगा, ना मैं लाइट मोशन में एडिट करूँगा, ना मैं काइनमास्टर में एडिट करूँगा। गाइज, आज मैं एडिट करने वाला हूँ VN एप्लीकेशन में। गाइज, आपने प्रीव्यू देख ही लिया है कि कैसी वीडियो आपकी होगी VN एप्लीकेशन में एडिट करने के बाद। तो गाइज, वीडियो पे आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप भी VN एप्लीकेशन पे अपनी वीडियो को 4K HDRCC दे पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको VN एप्लीकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे VN एप्लीकेशन को अपलोड कर दिया है। और गाइज, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए और वहाँ पे VN एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको सिंपली अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाना है और VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गाइज, VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद गाइज, आपको अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको 4K HDRCC देना है। तो गाइज, मुझे इस वीडियो को 4K HDRCC देना है, तो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली है। अब गाइज, आपको वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको तीसरे नंबर पर, आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज, सिंपली जो आपने अभी वीडियो अपनी इम्पोर्ट करी है, आपको सिंपली फिर से वही वीडियो आपको इम्पोर्ट कर लेनी है। गाइज, आप नीचे आप आ जाएंगे, आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आप राइट हैंड साइड पे, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिल का। गाइज, आपको सिंपली इसको फिल कर लेना है। गाइज, फिल करने के बाद आपको फिर से आपको इधर स्क्रॉल करना है राइट हैंड साइड पे, आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। और गाइज, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सक्लूजन का। गाइज, आपको सिंपली एक्सक्लूजन पे क्लिक कर लेना है और गाइज, इसको ओके कर लेना है और उसको आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगी। तो गाइज, जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट होती है, तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो गाइज, आपकी सिंपली वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी आपके में। गाइज, जितना भी सपोर्टेबल हो आप उतने में इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। मेरे में गाइज फुल एक्सपोर्ट सपोर्टेबल है, इसलिए मैंने उसको फुल पे कर लिया है। आपको कर लेना है, उसके बाद आपको सिर्फ सेव ओनली कर लेना है। सिंपली वापस आपको फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर आ जाना है। गाइज, न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपको अपनी पहली वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको 4K HDRCC देना था, जो अपने पहले नॉर्मल क्लिप थी, आपको उसको सेलेक्ट कर लेनी है। और गाइज, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपनी वो वीडियो इंसर्ट कर लेनी है जिसको आपने अभी एक्सपोर्ट करा था। गाइज, इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। गाइज, आपकी वीडियो प्रोसेसिंग होने लगेगा, आपकी वीडियो इंसर्ट हो जाएगी उसी वीडियो के ऊपर। तो गाइज, वीडियो सिंपली आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो गाइज, वीडियो इंसर्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फिल कर लेना है। गाइज, फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे फिर से राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करना है और आप ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन कर लेना है वीडियो को। गाइज, स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको 50 तक कर लेना है। गाइज, आप अपनी वीडियो के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो गाइज, मैं 50 तक कर लेना है इसको, आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है। गाइज, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको फ़िल्टर पे क्लिक करना है और एडजस्ट के ऑप्शन पे आ जाना है और गाइज, एक्सपोजर को बढ़ा लेना है। गाइज, एक्सपोजर को आपको करीब 40 तक कर लेना है। गाइज, एक्सपोजर को 40 करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट पे आना है, कॉन्ट्रास्ट को भी आपको 30 तक कर लेना है। गाइज, कॉन्ट्रास्ट को 30 करने के बाद आपको सिंपली सैचुरेशन पे आना है, गाइज सैचुरेशन को फुल कर लेना है। गाइज, सैचुरेशन को फुल करने के बाद वाइब्रेंस को भी गाइज बढ़ा लेना है, वाइब्रेंस को करीब आप 10 तक कर लीजिएगा। गाइज, वाइब्रेंस को 10 करने के बाद आपको यहाँ पे शार्पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइज, शार्पेन को आप अपनी वीडियो के हिसाब से कर सकते हैं, मैं गाइज शार्पेन को 80 तक रखूँगा। गाइज, शार्पेन को 80 तक रख लीजिएगा और हाईलाइट को आप फुल कर लीजिएगा। गाइज, ये करने के बाद आपकी वीडियो रेडी है बनके, आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपकी वीडियो लगने लगेगी। तो गाइज, आप देख सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज कि आपकी पहली की वीडियो कैसी थी और अभी की वीडियो कैसी है। तो गाइज, मैं इसको हटा देता हूँ, जो भी वीडियो मैंने इफेक्ट लगाए हैं इस पर, आपको दिखाने के लिए कि पहली की वीडियो कैसी थी आपकी और अभी की वीडियो कैसी है। गाइज, आप देख सकते हैं आपकी पहली की वीडियो कुछ ऐसी थी और अभी की वीडियो कुछ ऐसी है। तो गाइज, आप देख सकते हैं फ़र्क कितना आया है वीडियो पर। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और गाइज, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।